रफ रोज भाई तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें पता मोहल्ले में क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अरे करण भाई ना है, उनके पापा को अटैक आ गया। अमा नहीं यार, कल तो मेरे पास बैठ के गए, अच्छे खासे थे बिल्कुल। अरे रात ही तो अटैक आया है, मामला सीरियस है, अस्पताल में पड़े। मैं देखने आ रहा था तो मैंने सोचा फरोज भाई से बता दूं। भाई तूने सही किया, मुझे तो पता भी नहीं था यार। चल मैं भी चल रही हूँ देखने। करण भाई कैसी है तबीयत पापा की? पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, वो आईसीयू में है। भाई मिल सकते हैं पापा से? डॉक्टर ने मिलने को मना किया है। भाई फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब ठीक करेगा। भाई दुआ करना पापा जल्दी ठीक हो जाए। भाई तेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तू फिक्र मत कर, अच्छे लोगों के साथ अल्लाह है। अरे करण भाई फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं जैसे भी हैं। लो करण भाई, जैसे भी बात हो हमें कॉल कर देना, हम आधी रात तैयार है भाई, ठीक है? ओ अरे फिरोज भाई सुनो तो, ये लिफाफे का क्या चक्कर है भाई? लिफाफा क्यों दिया? लिफाफा असल में इस लिफाफे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है। लोग शादी ब्याह में देते हैं लिफाफे, अच्छी बात है, पर शादी ब्याह का टाइम फिक्स होता है, डेट फिक्स होती है, वो अपना इंतजाम कर लेते हैं। मेरे भाई बीमारी कभी बता के नहीं आती है, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, ये अचानक हमारे ऊपर आती है, तो सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत यहाँ पे होती है, इसलिए मैंने लिफाफा दिया। सही कह रहे हो फिरोज भाई, मैं भी लिफाफा देकर आता हूँ। मेरे दोस्तों आप भी कभी किसी को हॉस्पिटल में देखने के लिए जाएं, तो प्लीज़ एक लिफाफा अपनी हैसियत के हिसाब से लेकर जाएं। हो सकता है आपका वो लिफाफा किसी की ज़िंदगी बचाने का सबब बन जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना मत करना, पर शेयर ज़रूर करना, ताकि ये नई शुरुआत लोगों तक पहुँच जाए।